वेलकम टू माय चैनल आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन टेस्ट टू चेक कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल किसी भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कन्वर्जेंस नेचर चेक करने का एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है दैट इज द क्वेश्चन टेस्ट आइए इससे सबसे पहले इसका वर्किंग रूल देख लेते हैं तो लेट कर लेते हैं ए से इन्फिनिटी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दी गई एफ एक्स डी एक हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है राइट तो यहाँ पर एफ हमारा किस फॉर्म में होगा पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू की फॉर्म में होगा पी एक्स हमारा x में एक पोलिनोमियल होगा और क्यू एक्स है वो भी x में एक पोलिनोमियल होगा लेट कर लेते हैं कि जो पी एक्स में x की हाइएस्ट पावर है वो l है और जो क्यू एक्स है उसमें x की हाइएस्ट पावर है वो m है राइट तो हम जी एक्स फाइंड करेंगे जी एक्स किस तरीके से कि जो हमारा डेनोमिनेटर है डेनोमिनेटर में x की हाइएस्ट पावर होगी वो हमारा जी एक्स बनेगा जी एक्स क्या जाएगा वन डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर एम आ गया फिर हम वैल्यू फाइंड करते हैं लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी पर एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स का ये रेशियो हम फाइंड करते हैं और इसको सोल्व करने पर मान लिया हमारे पास वैल्यू आती है वो एल आती है राइट अगर ये हमारा एल है वो बिलोंग करे आर नोट आर नोट मीन्स एल है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन वो जीरो को कभी भी बिलोंग नहीं करे राइट तो इन दैट केस जो हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स कन्वर्ज एंड डाइवर्ज साइमिलियसली मीन्स अगर हमारा एल बिलोंग करता है आर नोट को तो ये इंटीग्रेशन और जी एक्स का इंटीग्रेशन है ये दोनों एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज करेंगे अगर ये कन्वर्ज करेगा तो ये भी कन्वर्जेंट होगा ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगा, तो होगा राइट और नेक्स्ट पॉइंट क्या कि अगर हमारा एल है वो फाइनाइट भी आ सकता है फाइनाइट आता है और हम वैल्यू फाइंड करते हैं कि ए से इन्फिनीटी तक जी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास कन्वर्जेंट आता है राइट right, ये जो अपना इंटीग्रल है ए से इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स ये हमारा कन्वर्जेंट आ जाता है और इसके साथ साथ में एल अपना फाइनाइट है तो हम क्या कहेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स भी हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा राइट नेक्स्ट कंडीशन ये भी हो सकती है कि हमारा एल है वो इनफाइनाइट हो एल इन्फाइनाइट आता है और इसके साथ साथ हमारा इन इं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स है वो डाइवर्जेंट आ जाए ये डाइवर्जेंट आ जाएगा तो जो हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स भी तो डाइवर्जेंट हो जाएगा तो इस तरीके से हम क्वेश्चन टेस्ट का यूज़ कर कर एल की वैल्यू फाइंड करेंगे फिर जी एक्स का कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट नेचर चेक करेंगे वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगा उसके कॉरस्पोंडेंस हमारा एफ एक्स बिकॉर्ज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट हो जाएगा राइट तो अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है एग्जामिन कन्वर्जेंस ऑफ फॉलोइंग इंटीग्रल इसके दो पार्ट है फर्स्ट दिया गया है इंटीग्रेशन की लिमिट है वन से इंफिनिटीड बाई रूट ऑफ एक्स इंटू वन प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये एक इंप्रॉपर इंटीग्रल है चेक करना ये कन्वर्जेंस है या नहीं सेकेंड दिया गया है

तो यहां पर हमारा दिया गया है तो यहाँ पर अपना एफ एक्स क्या है एफ एक्स है वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू वन प्लस एक्स इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस में एक्स आ गया राइट तो जी एक्स क्या होता है जो डेनोमिनेटर में एक्स की हाइएस्ट पावर क्या है एक्स है क्योंकि रूट से बाहर आएगा तो एक्स ही बनेगा राइट तो हमारा जी एक्स क्या आ गया वन डिवाइडेड बाय एक्स फिर हम वैल्यू फाइंड करते हैं लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी पर एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स राइट तो एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी तो हमारे पास ये आ गया यहाँ से अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स से अगर हम एक्स बार लाते हैं तो रूट एक्स बन के बाहर आएगा रूट एक्स रूट एक्स की मल्टीप्लाई करेगी तो एक्स आ जाएगा राइट अंडर रूट में क्या गया अंडर रूट ऑफ है वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस में वन आ गया राइट right? तो यहाँ पर देखते हैं तो एक्स से एक्स अपना कैंसिल हो जाएगा एक्स से एक्स कैंसिल हो गया इन दैट केस हमारे पास क्या बच गया वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ है वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस में वन आ गया और लिमिट एक्स टाइम टू इन्फिनिटी पर देखते हैं वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो यहाँ पर वन बच गया और वन क्या है आर नोट को बिलोंग करता है मीन्स कभी भी एक रियल नंबर को बिलोंग करता है लेकिन वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं है राइट right? फिर हम देखते हैं तो अगर ये कंडीशन आती है तो हमारा ये फर्स्ट कंडीशन थी उसमें हमने क्या देखा था कि इन लिमिट के ऊपर एफ एक्स और जी एक्स है वो एक साथ कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे राइट right? कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्जेंट तो हम जी एक्स देख लेते हैं वन से इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्सना कहता है तो यहां पर देखते हैं पी टेस्ट से जी एक्स किस फॉर्म में होना चाहिए डिवाइडेड टू पावर पी की फॉर्म में होना चाहिए पी टेस्ट से और यहाँ पर देखते हैं जीएक्स अपना दिया गया वन डिवाइडेड बाई एक्स यहां पर कंपेयर करते हैं तो पी वन आ रहा है वन आ रहा है मीनस ये अपना इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये अपना डाइवर्जेंट है इसके कोरोस्पॉेंस अपना एफ एक्स भी क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा, राइट अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है, इंटीग्रेट करना है वन से इन्फिनिटी लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जहाँ पर अपना ए ग्रेटर देन जीरो होता है, right? कुछ ऐसा दिया गया है, ये जो ए है, ये ग्रेटर देन जीरो है। तो यहाँ पर देखते हैं तो हमारा एफ एक्स क्या, क्या होता है लोग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए जी एक्स क्या होता है डेनोमिनेटर में एक्स की हाईएस्ट पावर वो क्या है वन तो जी एक्स अपना क्या क्या वन डिवाइडेड बाय एक्स फिर हम वैल्यू फाइंड करते हैं हैंडेड बाई जी एक्स तो एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स करते हैं तो हमारे पास आ जाता है लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर डेनोमिनेटर में हमने एक्स कॉमन ले लिया राइट एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया वन प्लस ए डिवाइडेड बाय एक्स तो यहाँ पर ये एक्स कैंसिल हो गया लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी पर लॉग इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी और ए अपॉन एक्स ये जीरो इन्फिनिटी अपॉन वन क्या आएगा इन्फिनिटी आ रहा है दैट मीन्स ये इन्फाइनाइट वैल्यू दे रहा है एल अपना इन्फाइनाइट है थर्ड केस था जो हमने पढ़ा था राइट right? तो अब हम जी एक्स देखेंगे जी एक्स इस लिमिट पर दैट इज़ वन से इन्फिनिटी तक जी एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी जी एक्स अपना क्या है वन डिवाइडेड बाई एक्स इंटू में डी एक्स है इसका अगर हम पी टेस्ट से देखते हैं पी टेस्ट क्या कहता है जीएक्स अपना किस फॉर्म में होता है वन डिवाइडेड बाई पावर पी की फॉर्म में और यहाँ पर अपना जीएक्स देखकर वन डिवाइडेड बाई एक्स तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं तो अपना पी क्या आ रहा है वन आ रहा है दैट मीन्स वन किसकी कंडीशन होती है

प्रूव करना है कि ये कन्वर्जेंट है क्या देखा जीरो से इंफिनिटी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स माइनस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स दे रखा है राइट right. तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जो हमारी लिमिट से कहाँ से कैसी होनी चाहिए ए से इन्फिनिटी की होनी चाहिए जहाँ पर ये ए ग्रेटर देन जीरो होता है राइट right. तो सबसे पहले हमने इसकी लिमिट को तोड़ दिया जीरो से ए और ए से इन्फिनिटी कंसिडर कर लिया ये हमारा आई इसको हमने आई वन से और इसको हमने आई टू से डिनोट कर दिया अब आई वन देखो आई वन अगर एक्स जीरो है राइट एक्स जीरो है तो ये अपना क्या था वन डिवाइडेड बाय ई रेंस टू पावर एक्स आएगा और ई e की एक्स की पावर जीरो होने का मतलब क्या है एक्स जीरो है दैट मीन्स वन डिवाइडेड बाई रेस्ट पॉलर जीरो किसी का पावर जीरो मीन्स वन तो ये वैल्यू वन गई एक्स यहाँ जीरो पुट करते हैं तो वन माइनस वन आएगा जीरो इसके साथ इन्फिनिटी आता है यहाँ पर जीरो पुट करने पर तो इन्फिनिटी के साथ जीरो मल्टीप्लाई करेगा जीरो मीन्स एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है और ये पर ये डेफिनेटली फाइनाइट वैल्यू दे रहा है दैट मीन्स आई वन जो हमारा है एक प्रॉपर इंटीग्रल फॉर्म हो गया प्रॉपर इंटीग्रल है मीन्स आई वन कन्वर्जेंट भी होगा फिर अपना मेन फोकस रह जाता है आई टू पर आई टू क्या है ए से इन्फिनिटी वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स माइनस ऑफ ई टू पावर माइनस एक्स इंटू वन डिवाइडेड बाय एक्स इंटू मै डी एक्स दे रखा है तो यहाँ पर देखते हैं तो हमारा एफ एक्स क्या दे रखा है एफ एक्स होगा वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स इंटू वन डिवाइडेड बाय एक्स अगर हम इसे एलसीएम लेकर अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा ई रेज पावर एक्स माइनस में वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ई रेज टू पावर एक्स इंटू वन प्लस एक्स तो यहाँ से अगर देखा जाए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स से इसे अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एफ एक्स आएगा एफ एक्स इज टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस में वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एक्स एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स और एक्स से इसको डिवाइड किया मीन्स एक्स पहले से था तो एक्स एक्स की मल्टीप्लाई करा एक्स के आ जाएगा राइट तो यहां से देखते हैं तो अपनी नीचे जो जीएक्स है वो क्या आएगा डिनोमिनेटर में एक्स की हाइएस्ट पावर होगी उसको वन बाय में ले लेते हैं तो हमारा जीएक्स आ जाता है तो डेनोमिनेटर में एक्स की हाइएस्ट पावर क्या है है दैट अपना क्या आ जाएगा डिवाइडेड अब हमें लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पर एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स का रेशियो चेक करना है तो आइए उसे भी देख लेते हैं नाउ लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स इज इक्वल टू

प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल तक किया जा सकता है राइट तो ऊपर तो हमने एक्स कॉमन ले लिया न्यूमिनेटर में और नीचे हम एक्स स्क्र कॉमन ले लेंगे तो एक एक्स से तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा लेकिन एक एक्स तो नीचे बच जाएगा ऊपर अगर हमने एक्स कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन और नीचे एक्स हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा वन डिवाइडेड बाई एक्सर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स बचेगा प्लस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल राइट और यहाँ पर भी हमने एक्स नीचे कॉमन लेकर एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा नीचे भी यहाँ पर अगर हम एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो ये ऊपर एक्स था ही नीचे अगर हमने एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचता वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस में वन कुछ ऐसा बच जाता और एक्स से एक्स कैंसिल हो जाता तो हमारे पास क्या आ जाता वन डिवाइडेड बाई वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन कुछ ऐसा आ जाएगा तो यहाँ पर देखो लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी पर वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो दैट मीन्स यहाँ से अपने पास क्या आया वन आया और वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है वन लेकिन वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो वन अपॉन इंफिनिटी जीरो और वन बाय टू यहाँ बच रहा है राइट और एक्स इसके साथ में मल्टीप्लाई है दैट मीन्स एक्स इन्फिनिटी है वन अपॉन इन्फिनिटी आ गया यहाँ से हमारे पास क्या आ गया वन अपॉन इन्फिनिटी और वन अपॉन इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है जीरो के इक्वल होता है राइट तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई वन माइनस में जीरो इंटू वन ये किसके इक्वल आ गया वन और ये नॉन जीरो रियल नंबर है राइट फिर हम देखते हैं ए से इन्फिनिटी की जो लिमिट है उसके ऊपर जी एक्स की वैल्यू देखते हैं तो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी जी एक्स डीएक्स हमारे पास कह जी एक्स क्या आता है वन डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर के इक्वल आता है राइट right? तो यहाँ पर अगर हम पी टेस्ट लगाते हैं तो जी एक्स किस फॉर्म में होता है वन डिवाइडेड बाई एक्स रेज पावर पी की फॉर्म में होता है ये किसके इक्वल आएगा वन डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर के इक्वल आएगा तो यहाँ से देखा जाए तो पी अपना किसके इक्वल आ गया टू के इक्वल आ गया दैट मीन्स ग्रेटर देन वन और ये ग्रेटर देन वन आने का मतलब क्या है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी जी एक्स डीएक्स क्या है कन्वर्जेंट और ये कन्वर्जेंट हो जाता है तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये अपने आप ही कन्वर्जेंट हो जाएगा तो इस तरीके से हम क्वेश्चन टेस्ट का यूज़ कर कर दिए गए इम्प्रॉपर इंटेग्रल का कन्वर्जेंट नेचर चेक कर सकते हैं लेकिन ये टेस्ट हम कब अप्लाई करेंगे जब हमारी लिमिट ए टू इन्फिनिटी होगी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टेस्ट को अप्लाई करते वक्त लोअर लिमिट को हमें ए बनाना है जहाँ पर ए अपना ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए राइट थैंक यू